Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacist. Friends, in this video I'm going to talk about Zymoflam D tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Zymoflam D टैबलेट। फ्रेंड्स, Zymoflam D टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल पेन रिलीविंग के तौर पर किया जाता है। पेन रिलीविंग कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि दर्द से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एनाल्जेसिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, हमने स्टम का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाल्जेसिक। तो डियर व्यूअर्स, एनाल्जेसिक कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जो दर्द से छुटकारा दे, दर्द से राहत देने का काम करे, उन सारे मेडिसिन को हम लोग एनाल्जेसिक कैटेगरी में रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर चीजों को समझाऊंगा, बहुत साधारण तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में एक हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत नामी ग्रामीण फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 200 से लेकर 250 रुपए के आसपास होती है, थोड़ा कॉस्टली आता है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कि विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। की बेसिकली जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूल्स मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा पाया जाता है। कितने मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, एक से ज्यादा, तो इसके अंदर बेसिकली चार मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, चार मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग क्वांटिटी में पाया जाता है, कहां अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। फ्रेंड्स, नंबर वन है ट्रिप्सिन। क्या है, नंबर वन है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन 48 मिलीग्राम पाया जाता है। फिर कहते हैं रूटोस ब्रोमेलिन, फिर कहते हैं ब्रोमोलिन इसमें 90 मिलीग्राम पाया जाता है। फिर कहते हैं रूटोसाइड 100 मिलीग्राम पाया जाता है। फिर कहते हैं डाइक्लोफिनेक जो कि 50 मिलीग्राम पाया जाता है। ये चारों मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, पेन दर्द से राहत देने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है और कितने कितने मिलीग्राम पाया जाता है। ट्रिप्सिन पाया जाता है, ब्रोमेलिन पाया जाता है, ठीक है, ब्रोमेलिन भी लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रूटोसाइड पाया जाता है, फिर डाइक्लोफिनेक पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका यूज अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो पेन रिलीविंग के तौर पर किया जाता है, लेकिन चलिए कुछ जगह है जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको डिटेलिंग करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, नंबर वन है इसका यूसेज रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन। कि किसी तरह का अगर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको और जलन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर करते हैं एंकाइलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर किसी व्यक्ति को एंकाइलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, यहाँ पर जब होता है सर्वाइकल आपको कह सकते हो, ठीक है, उसमें दिक्कत हुआ हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर कोई व्यक्ति अर्थराइटिस से सफर कर रहा है तो उसको भी दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर। फिर कहते हैं ज्वाइंट पेन। अगर किसी व्यक्ति को लोअर लिम्स, अपर लिम्स, घुटना में, नी ज्वाइंट के पास, ठीक है, हैंड ज्वाइंट के पास, फिर ये सब ज्वाइंट सबके पास दर्द है तो उसको भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा अर्थराइटिस है जिसमें क्या होता है, हड्डियाँ जो होती है भुरभुरी हो जाती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं मसल है। अगर कोई मांसपेशी में आपको दर्द हो गया और ठीक है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। फिर LBP लोअर बैक पेन हो रहा तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसका इस्तेमाल पोस्ट ऑपरेटिव पेन, जैसे मान लीजिए किसी का सर्जरी हुआ हो, ठीक है, उसके बाद वो इंजेक्शन बहुत दिन तक ले लिया फिर भी दर्द नहीं कम रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है 8-9 दिन के बाद पेशेंट को आप डिस्चार्ज करो, तो उसके दर्द को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं टू हील वुंड, घाव को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, घाव को भरने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया था मैं बताता हूँ, इसके अंदर क्या है, ब्रोमेलिन है, रूटोसाइड है, तो ये दोनों मिलकर, और ट्रिप्सिन भी आपने सुना होगा, ट्रिप्सिन भी है, तो ये तीनों क्या करता है कि घाव को एक तरह से बुंड को हील करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट एडमिट है, उसका सर्जरी हुआ, कोई भी सर्जरी मान लो LSCS मान लो, या आप मान लो H मान लो, किसी प्रकार का सर्जरी हुआ, ठीक है, सर्जरी के लगातार 9 दिन तक इंजेक्शन चला हो, घाव ऑलमोस्ट सूख चुका हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत उस बचा हुआ हो, नहीं ठीक से सुखा हो, ठीक है, तो उसको हील करने के लिए भी
हम इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें रूटोसाइड ब्रोमेलिन बहुत जबरदस्त काम करता है। तो घाव को हील करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था आफ्टर सर्जरी, पोस्ट पेन में तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में देते हैं लेकिन सर्जरी के बाद घाव को हील करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको समझ में, लेकिन अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, इफ आई से इन अ सिंपल वर्ड, अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो इसका इस्तेमाल बस दिमाग में एक ही रखना ठीक है कि इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल बस पेन से दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है, पेन रिलीविंग के तौर पे किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्रोल इंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्रा इंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन, कि बिना कंट्रा इंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें, क्योंकि इसका जो परिणाम वो डायर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसका नंबर वन कंट्रा इंडिकेशन प्रेगनेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, प्रेगनेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बिना गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया आपको नहीं देना, इस बात को आपको याद रखना, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किया आपको नहीं देना। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर नेक्स्ट फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट कहते हैं स्टोमक अल्सर को, अगर किसी व्यक्ति को स्टोमक में पेट में अल्सर हो गया हो, घाव हो गया हो, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रहा, जलन हो रहा हो, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना, इस बात को बखूबी याद रखना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्रा इंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स सर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, और इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा ताकि इसके जगह दूसरे मेडिसिन को लिख सके। फ्रेंड्स नंबर वन इसका साइड इफेक्ट नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं इनडाइजेशन, आपको खाना ठीक से पचेगा नहीं। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी टाइप का, वाटरी टाइप का हो जाएगा। फिर कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, आपका जो होगा भूख, खाने की जो क्षमता होगी, भूख हो वो मर जाएगी। फ्रेंड्स ये सारे से कुछ साइड इफेक्ट्स है, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखे तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसके ऊपर दूसरे मेडिसिन को वो लिख सके। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें इसके डोज का। फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो डोज होता है कम से कम 3 दिन तक 1 x BD चलाते हैं, उसके बाद ऐसे इसको तौर पर देते हैं। 1 x BD कहने का मतलब एक गोली सुबह एक गोली शाम, लेकिन खाना खाने के बाद, यह डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को दर्द रहेगा तब SOS के तौर पे लेना है, जरूरत होगा तभी लेंगे, अगर दर्द होगा तब ले, नहीं लेंगे होगा तो नहीं लेंगे। बेसिकली इसका 3 दिन डोज आप 1 x BD चलाइए, ठीक है, सुबह शाम 3 दिन चलाइए, उसके बाद अगर दर्द रहेगा तब लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि Zymoflam D टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।